नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे किया सेल्टोस के बारे में। दोस्तों आपने किया मोटर्स का नाम तो सुना ही होगा, फर्स्ट इन सेगमेंट। ये सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देने में फेवरेट है और इंडिया में इसी कारण से ये बहुत अच्छी सेल करने में आगे रह रही है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो सेफ्टी फ़ीचर्स हैं वो सब एडवांस्ड हैं और इसकी जो ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग है वो भी अच्छी है। यहाँ तक कि 3-4 की रेटिंग इस गाड़ी को मिल जाती है। ग्लोबल रेटिंग के बारे में बात करो तो सबसे अच्छी जो रेटिंग है वो टाटा मोटर्स की गाड़ियों को मिलती है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि किया सेल्टोस जो है अपना 2022 में किस तरह परफॉर्म करती है, लेकिन ये अभी भी नंबर वन टॉप एसयूवीज में आती है। दोस्तों इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है यानी स्टार्टिंग कीमत है वो 10.19 लाख रुपए है। ये एक्सरूम प्राइस है और यहाँ से स्टार्टिंग होती है और उसमें बहुत सारे वेरियंट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों माइलेज की बात करें तो इसमें माइलेज जो है आपको 16.1 से लेकर के 21 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ रोड और द हाईवे। दोस्तों इंजन की बात करें तो इसमें 1353 cc से 1497 cc तक के इंजन हमें देखने को मिलते हैं। ये भी वेरियंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ग्लोबल में रेटिंग की बात करें तो आपका किया सेल्टोस को 3-स्टार रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी अच्छी है। फ्यूल जो है दोस्तों ये पेट्रोल और डीजल में देखने को मिलती हैं, CNG में ये कार अभी देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें मैनुअल होता है और इसमें ऑटोमेटिक DCT और ऑटोमेटिक CVT भी देखने को मिलता है। दोस्तों सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5 सीट हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं, ST, ST+, ST+X, ST+G, TO, GT+X और X-Line। दोस्तों 2022 की जो किया सेल्टोस है वो 112 BHP की पावर जनरेट करती है 6300 RPM और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 4500 RPM पर। दोस्तों इसमें 1.4 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम टर्बो GDI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 136 BHP की पावर 6000 RPM पर जनरेट करता है और 242 Nm का टॉर्क जो है वो 1500 से 3200 RPM पर जनरेट करता है। दोस्तों बात करें इसके एक्सटीरियर की तो इसमें जो है डिफरेंट हमें कलर देखने को मिल जाते हैं, इसमें ग्रेविटी ग्रे, अरोरा ब्लैक, पियर इंटेंस रेड, पाउची ऑरेंज, ग्लेशियर वाइट, क्लियर वाइट, इंपीरियल ब्लू एंड स्पार्कलिंग सिल्वर जो बहुत सारे कलर हमें मिल जाते हैं इसमें। और ये ड्यूल टोन कलर में भी अवेलेबल है यानी कि ब्लैक पियर रूफ। उसके अलावा देखोगे इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के वेरिएंट है उसमें भी देख सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह कि इसमें 4.2 इंच का कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों इसमें एयरबैग्स मिलते हैं, ESC, BSM, BA और HAC भी देखने को मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 5 की मिलती है और इसकी जो सबसे ज़बरदस्त टक्कर जो होती है वो है हुंडई क्रेटा से जो कि आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 18.45 लाख तक जाती है और ये 24 वेरिएंट में आती है यानी कि वेरिएंट के मामले में आपको जिस तरह की कस्टमाइज बाइक चाहिए, जिस तरह की कस्टमाइज कार चाहिए वो हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है बहुत अच्छा लगता है और इंटीरियर की बात करें तो उसमें फिट और फिनिश बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलते हैं और सभी वेरिएंट के लिए सूट करती है। दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो चीज़ें इसमें हमें अच्छा नहीं लग सकती हैं, जैसे कि इसकी कॉस्ट जो है वो हाई हमें एक्सपेंसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो SUV मैन्युफैक्चर हैं उनकी कारों की तुलना में, और राइड क्वालिटी भी थोड़ा सा डिफरेंट लगती है क्योंकि ये इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन बनाई नहीं गई है तो इसका जो थोड़ा सा इंडियन ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थोड़ी सी रहती है जो कि सभी के लिए नहीं है, जिसको आदत पड़ जाती है इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगती है। फ्यूल इकोनॉमी बताइए आपको कम होती है, वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी होती है और सबसे बढ़िया बात है इसकी एक्सटीरियर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।